फाइनल मुकाबला दोस्तों शुरू हो चुका है। पहली लहर बैना की तरफ से दे रहे हैं 31 लहरा। बहुत सुंदर भैया खिलाड़ी से कौन और संजू, अगर खिलाड़ी नंबर लेने से या देने से पहले फाउल हो जाता तो उसको वापस कर दो और पॉइंट दे दो दूसरी टीम को। फाउल हुआ तो एक बार निशान बहुत बढ़िया गेम और यहाँ पर बहुत सुंदर। और ये दोनों तरफ मैदानों में पटवार फाइनल में देखो आगे क्या होता है। 2020 2021 और 2021 22 और 23 और हम 24 में भी इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेल रही है। चिंटू असरोही देखो होगा इस टूर्नामेंट का रनर अप। तुम थॉमस साहब पहले रेड देखो ना क्या कर रहे हो। बहुत बढ़िया अच्छा आदमी है तो उड़ा उगर देगा ओके। तो उन्हें पल्ली डंडू पल्ली साइड में खड़े जाओ। 11-11 रन का मुकाबला सुंदर अंक बहुत बढ़िया पकड़। एक शानदार टो टच और इसमें कामयाब हुए पीछे लहर रहा इस तो अच्छा है लेकिन रेडर थोड़े से मुकाबले में भी पिल्ले फराना अंक ले क्या नहीं बिना अंक के वापस। और अब फिर एक बार पीछे लहर रहा 11-11 मिनट का ग्रैंड फिनाले मुकाबला फाइनल मुकाबला बहुत ही सुंदर हैंड टच पॉइंट मैना की टीम के खाते में मैना पहुंची है अब 4-5। बिल्ले ने हाथ हिलाकर मना किया कि मैंने भी अंक नहीं लिया है और यहाँ पर बिल्ले लाख कोशिश करने के बावजूद मिडलाइन को नहीं छू सके और शायद चोट लगी उनको और अंक गया है। सतेंद्र राणा 6 और असरोही 1 अंक है भाई। 5 अंकों की लीड है महत्वपूर्ण हो गए मामला है भाई जी बगियाने का। चोट है उनकी कोहनी में उनकी नी में चोट है और मुकाबला शुरू तीसरा लहर रहा जहां 1 अंक पर है चिंटू असरोही वहीं 6 अंक पर है मैना। टोटस के प्रयास रहे हैं तीसरा लहर रहा 6-1 और इस मैच का लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं हमारे छोटे भाता पिंटू चौधरी कोलाना। बहुत बढ़िया फिर एक बार अनस शानदार मुकाबला खेल रही है यहाँ पर वैना वैना की टीम नौ और 1 स्कोरर अभिषेक मैना सत्येंद्र राणा स्कोर 9 असरोही 1 अरे 1 7-1 हाँ सॉरी 7-1 है भाई राणा 7-1 विशाल कबड्डी टूर्नामेंट। और ये
मैच पलटता हुआ पब्लिक 2024 दिन शुक्रवार को डे नाइट बहुत बढ़िया। तो ये गेम पलटते हुए सभी दर्शक और खिलाड़ी ध्यान दें 8 नवंबर का डेटा खुर्द में और मुकाबला राणा जीत चुकी है भाई। और भी अच्छा टूर्नामेंट है डेटा खुर्द में। 8,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज आ रहा है, 41,000 रुपए सेकंड डे नाइट है। डे नाइट 8-2 असरोई 2 राणा 8 अंकों पर पहुंच गए हैं। मैच का हाल जो अपने घरों की तरफ लौट गए हैं और 9 अंक हो गए भाई। अब मुकाबला जीत चुकी है पूरी तरह से और असरोही 2 रानी ने एक तरफा कर दिया भाई 2-9। अभी बहुत मैच बाकी है, कुछ भी हो सकता है अभी भैया। अभिषेक मैना में ब्रजेश फराना कौन है कबड्डी दो भाई। वही है जो कबड्डी दे रहे हैं ब्रजेश फराना भैया। देखो तुम देखो वो कबड्डी दे रहे हैं ब्रजेश देखो देखो रेड दे रहे हैं। हम ले गए भाई बहुत ही शानदार 10-2 और मैना का स्कोर अब दोहरे अंकों में जा पहुंचा है। 10 अंक पर है मैना और काफी देर से असरोही की टीम का स्कोर आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मुकाबला यार यहाँ पर बहुत ही शानदार खेला जा रहा है दोनों ही टीमों के बीच में। मुकाबले में बढ़त बना लिया 8 अंकों की रानी ने और ये देखो एक अंक और लेके भाई उसके साथ 3 अंकों पर पहुंची असरोही। लेकिन अब तक मैना की टीम ने शानदार पकड़ बनाकर रखी है मुकाबले में। ब्रजेश फराना दर्शकों का भी जमाव बड़ा बहुत अच्छा है। नंबर ले गए भाई बहुत ही सुंदर अंक इस बार और 11 और 3 स्कोर जा पहुंचा है 10 से बढ़कर 11। आज ऐसा ना हो कि जिस बघियाना की कमेटी की पुस्तक में लिखा हुआ था चिंटू असरोही वहां पर कोई नाम बदलना पड़ जाए आज। और ये पॉइंट लेते हुए असरोही 4 अंकों पर है टाइम है असरोही 4 और मैना 11। ब्रेक मार ब्रजेश रेड देते हुए यहां पर ब्रजेश फराना शानदार मुकाबला फाइनल मुकाबला। रेड का फिर एक बार असरोही के रेडर 7 अंक की लीड है इस मैच में अब तक मैना के पास। बहुत बढ़िया खेलते हुए अभिषेक मैना ब्रजेश कहीं ना कहीं असरोही को आज जिसकी कमी खली है वो है सेंट्रो। शानदार अंक इस बार और इस मैच में अब 12-4 को कम कर दिया 12 अंक चिंटू असरोही के लिए मैना के डिफेंस ने और मैना के रेडर ने जो एक एडवांटेज था असरोही के पास वो अब उनसे थोड़ा दूर जा रहा है। बहुत सुंदर इस बार योगेश की कलाकारी है 13-4 के लिए मशहूर है 13-4 है भाई फर्स्ट हाफ में 13-4।